पहले ऐसा लगता था कि ये क्या पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग क्या लोगों को निचोड़ते, कैसे हम बोल सकते हैं कि रतन टाटा किसको निचोड़ रहा है, कैसे हम बोल सकते हैं कि आदित्य बिरला लोगों को निचोड़ के गए या घनश्याम दास बिरला किसी को निचोड़ के गए। नहीं बॉस, उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, ऊपर से उन्होंने लाखों लोगों को, लाखों कमजोर लोगों को उन्होंने रोजी रोटी दी उन्होंने, राइट। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो साम्यवाद वगैरह जो है तो वो होना चाहिए, लेकिन सबकी सोच में परिवर्तन आ जाए तो सब साम्यवाद में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1% लोगों ने अच्छे पैसे कमाए उनसे पैसे लो और इन गरीबों को दो। इन गरीबों को ऊपर लाने के लिए उनकी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। ये मेरा पैशन है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे ये समझ में आया कि जो परफेक्ट ट्रेनर है जी और एक आम ट्रेनर है, इनमें मेंटालिटी का फर्क है। Absolutely. तो उसकी मेंटालिटी, परफेक्ट ट्रेनर की मेंटालिटी ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। उसकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि मुझे लोगों को ऊपर लाना है, मुझे ऊपर आना है, ये नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ पैसा कमाना वो जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है। आप समाज को कुछ देने के लिए जाओगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। परफेक्ट परफेक्ट। मुकेश जी, आपने अपने आप को एक अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए किन चीजों पर ज्यादा काम किया है? अच्छा आपको ट्रेनर बनना सेक्रीफाइस हर चीज का लगता है। मतलब मैं कहूंगा सेक्रीफाइस से ज्यादा मैं कहूंगा कि बैलेंस लाइफ आपको जीना आना चाहिए। ओके। कई बार मेरे क्लास में मैं कहता हूँ कि हम लोग मोह माया जाल में जो घुसे हुए हैं, घर से निकलने को दिल नहीं करता, घर से निकल गए तो फिर ब्रांच में जाके बैठ गए तो ब्रांच से निकलने को दिल नहीं करता। एक्चुअली हम वो चीज फेस नहीं करना चाहते कि जिस चीज के अंदर में हमें दिमाग चलाना पड़ेगा, जिस चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, उसमें हम अपना ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। तो मैंने सबसे पहले अपने पे जो वर्क किया वो ये किया कि पीपल हैव टू टाइप ऑफ प्रायोरिटीज। उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ये एक वीक प्रायोरिटी आती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी आपके पास में आती है। लोग क्या करते हैं, वीक प्रायोरिटी चूज करते हैं। ओके। स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी जो है वो चूज करने में लोग कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हटते हैं। ओके। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हर आदमी लीडर बन सकता है, हर आदमी एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है, हर आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप जो है प्रायोरिटीज पे काम करते हैं? एब्सोल्युटली। प्रायोरिटीज में हमेशा प्रायोरिटीज पे काम करता हूँ। जैसे कल का इंसिडेंट बताऊं कि कल रात को आपने 10 बजे कॉल किया था। हाँ जी, हाँ जी। और आपने कहा था कि इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में मेरे को आपसे बात करना है। तो उस समय मैंने आपको कह दिया था कि रंजीत जी मैं कल सुबह में आपको बात करूंगा। और क्यों मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि कल रात को, मतलब पिछले 15 साल से रात को 10 से 11 बजे का जो मेरा टाइम है वो रीडिंग का टाइम रहता है। मैं हमेशा पढ़ता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता हूँ मैं। ओके। और उस पीरियड में नो डाउट मैं आपसे बात भी कर सकता। दो प्रायोरिटी मेरे पास थी। एक थी आपसे बात करनी, वो भी जरूरी था, वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये भी इम्पोर्टेंट था, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। बराबर। तो मैंने क्या चूज किया कि आज मैं पढ़ना जो हैबिट है उसको कंटिन्यू करूंगा, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह में मैं गाड़ी ड्राइव करते करते, आजकल तो क्या है मोबाइल वगैरह सारे गाड़ी में डिवाइस बराबर है सब, तो गाड़ी में आराम से 1 घंटा कंफर्टेबल आपसे मैं बात करते आऊंगा। तो इसी तरह से लाइफ में दो प्रायोरिटीज आती है, और जो स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटीज जो इमीडिएट चूज करता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। परफेक्ट परफेक्ट। मुकेश जी, एक प्रोफेशनल ट्रेनर का डेली रियाज किन चीजों पर होना चाहिए? रीडिंग सबसे पहली। दूसरी चीज, आपकी प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी चाहिए। ओके। आप जो काम कर रहे हो वो नहीं छोड़ना चाहिए, और कंफर्ट जोन से इंसान ने बाहर आना चाहिए। ओके। मैं 3 चीज के ऊपर में मैं हमेशा वर्क करता हूँ, कंफर्ट जोन से मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। ओके। राइट। और रीडिंग रहता है, और आप देखेंगे तो मेरे राउंड द क्लॉक प्रोग्राम चलते रहते हैं। ओके। आज 30 दिन में से 26 दिन 27 दिन मैं आउट ऑफ टाउन रहता हूँ, या अगर मुंबई में भी हूँ तो मुंबई में भी मेरे सेशन रहते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आज घूमना फिरना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं 3 दिन का प्रोग्राम ख़त्म किया, रात को लेट पहुँचे, कई बार फ्लाइट इतनी डिले होते हैं कि घर पे पहुँचते 1:30-2:30 बज जाते हैं, फिर वापस 4 बजे उठो पुणे के लिए गाड़ी लेके निकलो,
और पुना के प्रोग्राम के लिए जाओ, तो कांस्टेंट मैं इस रियाज में मानता हूँ, आप जितना रियाज करोगे, जितना प्रैक्टिस, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस पोजीशन पे अगर हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो वर्क किया है 15 साल इस इंडस्ट्री में, जो दिया है मैंने, तो आज वही चीज़ लोग मेरे को वापस रिवर्ट कर रहे हैं, लोगों का प्यार जो मेरे को मिल रहा है वो उसी चीज़ की वजह से मेरे को मिल रहा है। परफेक्ट परफेक्ट मुकेश जी, होता क्या है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन हर आदमी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। उसी तरह ट्रेनर बनने के लिए भी मे भी बहुत सारे लोग ट्राई करते होंगे, लेकिन हर आदमी जो है वो ट्रेनर नहीं बन पाता है, अपनी मंजिल को नहीं हासिल कर पाता है। तो ट्रेनर बनते वक्त शुरू में क्या हर्डल्स आते हैं? सर, मैं हमेशा कहता हूँ 4 प्रकार के लोग होते हैं लाइफ के अंदर में। एक होते हैं जिनको आत्मसूझ होती है, जैसे फादर खाना खाने बैठे हैं और 19 साल का बेटा है, वो टीवी देख रहा है और उसने आजू बाजू नज़र देखा कि पिताजी खाना खाने बैठे हैं लेकिन पानी का ग्लास नहीं है। वो चुपचाप उठता है और पानी का ग्लास लेके आता है और थाली के पास में रख लेता है। तो पहली ये कैटेगरी है और ये लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि आस पास में क्या चल रहा है उसका मायना लेके मुझे उसमें क्या करना है वो अपने आप को ढूंढ लेता है, वो लीडर होता है, वो सच्चा लीडर होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है, सेकंड कैटेगरी, पिताजी खाना खाने बैठे हैं, हंस रहे हैं, बेटे का ध्यान जा रहा है, देख रहा है पानी का ग्लास नहीं है, वो जाके पानी का ग्लास लेके आता है। इस सेकंड कैटेगरी को मैं कहता हूँ इनको इशारे की जरूरत पड़ती है। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब फिनेंशियल एडवाइजर के लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो काफी इंश्योरेंस एजेंटों को डेवलपमेंट ऑफिसर कभी कॉल करते हैं। कुछ एजेंट डीओ के कॉल आए ना आए अपना काम चलता रहता है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी कि डीओ का कॉल आता है, अब ये रेगुलर परफॉर्मर है लेकिन पिछले 15 दिन से एक भी पॉलिसी हम जो डाला नहीं है, तो डीओ खाली फोन करके पूछते हैं, अरे रंजीत कैसे हैं, मजे में? हाँ सर मजे में हूँ। क्या चल रहा है? सर बस मजे में, अच्छा चल रहा है। सर कैसे याद आई? बस ऐसे ही यार, याद आई तेरी, ऐसे ही, काफी दिनों से बात नहीं हुआ था। अब रंजीत को पता चल जाता है कि ये सर ने फोन क्यों किया, इशारा दिया। अब रंजीत जी क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में 4-5-6 पॉलिसी बेचेंगे, डॉक्यूमेंट लेके डीओ के सामने खड़े हो जाएंगे। दूसरे किस्म के लोग हैं। बराबर। मैं चाहता हूँ ये 2 कैटेगरी के लोग लीडर बन सकते हैं। ये 2, चलो आत्मसूझ नहीं है, हमेशा कहता हूँ मैं, एप्पल पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा, न्यूटन ने देखा, न्यूटन को अक्कल चली, हमें अक्कल चली? हम चौल में रहा करते थे उन दिनों में, कई बार चौल से ऊपर से बहुत सारी चीजें फेंका करते थे लोग, लेकिन हमें तो कभी अक्कल नहीं चली कि ये नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो अगर आत्मसूझ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को आप ट्रेन कर सकते हैं, इशारों को समझ सकते हैं। बराबर। राइट। सो ट्रेनिंग जो है वो इशारे देती है और उस इशारों से जो काम करता है वो सक्सेसफुल होता है। तीसरी कैटेगरी जिसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा मैं, तीसरी कैटेगरी, पिताजी खाना खा रहे हैं, खांस रहे हैं, फिर भी ना बोल रहा है, फिर भी बेटे को समझ में नहीं आ रहा है, पिताजी उसको बोल रहे हैं नालायक पानी का ग्लास लाएगा तेरा बाप मर जाएगा, तब जाके उठेंगे और जाके पानी लेके आएंगे। ये तीसरी कैटेगरी, इनको धक्का लगता है, बहुत धक्का लगता है। और चौथी कैटेगरी भी है, शायद आप सोचोगे अभी चौथी कौन सी कैटेगरी हो सकती है। चौथी कैटेगरी, पिताजी खाना खाने बैठे खांस रहे हैं, नालायक पानी का ग्लास ला बोल रहे, पुकार रहे, उसके बावजूद बेटा बोल रहा है पापा खाना खाते वक्त आपने लेके बैठना चाहिए था, और घर छोड़ के भाग जाता है। तो ये चौथी कैटेगरी कौन है? डीओ फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जवाब भी नहीं देना है, रिस्पॉन्स भी नहीं देना है, फोन काट देना है। ये चौथी कैटेगरी है। राइट। सो मेरे हिसाब से 2 कैटेगरी में अगर हम रहे, जो लीडर होते हैं वो 2 कैटेगरी में रहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर ये 2 कैटेगरी में कोई, इस 2 कैटेगरी का माइंडसेट अगर कोई रखता है तो ये उसकी सबसे बड़ी हर्डल होगी अपने टारगेट की तरफ न पहुंचने की। एब्सोल्युटली। परफेक्ट। मुकेश जी, ट्रेनिंग टैलेंट को एक्वायर करने के हिसाब से एज ए ट्रेनर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को क्या सलाह देना चाहोगे? हर फाइनेंशियल एडवाइजर एक ट्रेनर ही है। ओके। क्योंकि क्या है, हम 1000, 2000, 5000 लोगों के सामने बोलते हैं, लेकिन जब मैं पॉलिसी बेचा करता था तो उस समय भी मैं एक
ट्रेनर ही था, क्योंकि मुझे सामने वाले के माइंडसेट को बदलना है। सामने वाले का माइंडसेट क्या है कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, मुझे फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैंने देखा इस फील्ड के अंदर में बड़ी सुस्तता है पब्लिक के तरफ से। अगर मैं देखूं तो अगर मुझे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो मैं चला जाता हूं डॉक्टर के पास। अगर मुझे कोई पुलिस केस हुआ है तो मैं सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि कौन एडवोकेट को मैं जानता हूं, राइट। लेकिन मैंने देखा है कि फाइनेंशियल लाइन के अंदर में कोई कंसल्ट करने को तैयार नहीं। कोई सामने से नहीं कहता है कि मेरे इतना इनकम है, मेरा इतना बचता है और इसके लिए मैंने कहां लगाना चाहिए और किस तरह से मैंने लगाना चाहिए। नोबडी इज आस्किंग। तो काफी सुस्तता है लोगों में। तो उस समय पे फाइनेंशियल एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर के पास पेशेंट सामने से आता है तो डॉक्टर को मालूम है मैं जो कहूंगा वो मानेगा। लेकिन जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर उसके पास जाता है तो उसको ये मालूम है कि जो कहूंगा ये मानेगा नहीं, तो उसको कन्विंस करना है। सो बहुत ही ट्रिमेंडस लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर में चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझ पाए अपनी बातों को और वो चेक साइन करके अपना जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बेच पाए। आज अमिताभ बच्चन आप देख सकते हैं कि एक समय पे एक काफी पीक पे गए और उसके बाद में जो उन्होंने लॉस किया, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि आई वॉज फाइनेंशियल जो मैटर है उसमें मैं टोटली आई एम वेरी गुड एक्टर बट आई एम डम इन ऑल दिस मैटर। मेरे पास कोई प्रॉपर व्यक्ति आया नहीं, या तो आया भी होगा तो शायद मैंने निग्लेक्ट किया। हो सकता है कि मुझे एड में पैसे मिल रहे तो मैं क्यों फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में एक घंटा मैं बर्बाद करूं, राइट। तो इसमें सुस्तता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रेन अगर अपने आप को करना है तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को करना है। परफेक्ट। क्योंकि उसको एक इंडिविजुअल के माइंडसेट को चेंज करना है। परफेक्ट। तो बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। परफेक्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ही टफ मार्केट है फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। उनको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना होगा, अपने टैलेंट को बढ़ाना होगा, तब जाके वो अपने काम को जो है वो अच्छे ढंग से कर पाएंगे। एब्सोल्यूट। परफेक्ट। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी सर, कि एज ए ट्रेनर आपका क्या गोल है, आपका विजन क्या है? मेरा एक ही गोल है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई गरीब ना रहे, सभी लोगों की सोच अच्छी हो, सभी लोग एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। आज हमारे ट्रेनिंग क्लास के अंदर में हम दो प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं, एक होता है डोमेन स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। रंजीत जी, ये जो सॉफ्ट स्किल है ना वो कितना इम्पोर्टेंट है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आज इतने स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है एज यू नो। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में से रिसर्च करने पे पता चला कि ओनली 20% हार्वर्ड स्टूडेंट जो है दे आर ऑन अ पीक, 80% सो चल रहे। तो इन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्या वजह था कि वी प्रोवाइड बेस्ट ट्रेनिंग, वी प्रोवाइड बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एडुकेशन, तो फिर ये सभी के सभी बच्चे 100 के 100 टॉप पे क्यों नहीं जाते? तो उनके रिसर्च ने ये पता चलाया कि जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो डोमेन स्टडीज सिखाता है लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाता है। इवन इन्फोसिस ने, नारायण मूर्ति ने, ये किस्सा मैंने सुना था कि इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब है, नारायण मूर्ति साहब ने, उनको 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत थी उनकी कंपनी के लिए, तो ही हैज अपॉइंटेड कि एक काम कर लो, रिजल्ट आने वाला है अगले महीने में, जो भी टॉप 10 रिजल्ट आए उन सीए को चुन लो इन्फोसिस के लिए। हाँ, वो वर्क करने के लिए तैयार है या नहीं है और कौन मना करेगा? आज इन्फोसिस में अगर मैं सीए बन चुका हूँ और इन्फोसिस से सामने से ऑफर आ रही है, कौन मना करे? बराबर। टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को चुना गया, इन्फोसिस में रखा गया। विथ योर सरप्राइज एंड माई सरप्राइज, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब ने कहा 6 लोग उनको एक साल के बाद निकालने पड़े, देवर टॉपर, अच्छा, लेकिन उनको निकालने पड़े। उसके बाद जो स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई वही स्टडी सीए एसोसिएशन ने भी की और तब जाके पता चला कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए डोमेन स्किल चाहिए और सॉफ्ट स्किल चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? आप एंगर को कैसे कंट्रोल कर पाते हो, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपको किसी से काम निकलवाना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो, ये सारी चीजें, इसमें कई सारी चीजें इसके अंदर में आती है। आप एथिकली काम करने चाहिए, आपने चीटिंग नहीं करना चाहिए, आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता है। बराबर।
राइट, ये सिखाया जाता है हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, राइट। तो 80% स्टडी ये कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, 88% सक्सेसफुल होने के लिए सॉफ्ट स्किल की जरूरत है एंड ओनली 12% डोमेन स्किल की जरूरत है। ओके, आज इसके लिए शायद कई ऐसे स्टडीज, कई सारे यूनिवर्सिटी में आज सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत लोग अभी इसको सीरियसली ले रहे हैं, इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, दैट कि ये कल्चर होना चाहिए वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग के माध्यम से मैं लोगों तक सॉफ्ट स्किल पहुंचाऊं, लोगों लोग अच्छे जिए, अच्छी तरह से लाइफ में आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा 99% लोग जो गरीब है उनकी सोच बड़ी हो, अच्छी तरह से काम करे, मेहनत करे, अच्छे पैसे कमाए, तो इसके लिए वर्क करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। सुपर सुपर, बहुत ही अच्छे विचार हैं मुकेश जी आपके, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक बहुत ही मैच्योर्ड और मजे हुए ट्रेनर हैं। मुकेश जी, ट्रेनिंग गुरु के आज के एपिसोड में आपने जो बातें हमें बताई हैं हमारे पूछे गए सवाल पर, ये बातें ना ही सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए, ना ही सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए, बल्कि हर एक इंसान के लिए जो भी इसे सुनेगा उसके काम की है। मुकेश जी, आपने ट्रेनिंग गुरु इस एपिसोड में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब बहुत ही खुले दिल से दिया, आपने अपने कुछ सीक्रेट भी हमारे साथ में शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी, वंस अगेन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मैं मानता हूँ कि आपने मेरी इज्जत बख्शी है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, वेलकम। तो ये थे मिस्टर मुकेश जोशी ट्रेनिंग गुरु के आज के एपिसोड में, बहुत ही जल्द एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।